अरे भी घनश्याम, वो न्यूज पढ़ी क्या? कौन सी खबर बद रही भैया? अरे भाई वही खबर जो साल 2021-22 में 128 करोड़ का ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड हुआ है। और भाई तेरे को इसलिए बोल रहा हूँ, तो लग रहा था ना ऑनलाइन बुकिंग करो पेमेंट करो इसलिए। अरे भैया हम नए जमाने के ट्रांसपोर्टर है, हमारा बुकिंग और पेमेंट जो है वो वहाँ कैप से चलता है, हमें जालसाजी फ्रॉड्स की चिंता नहीं होती। ऐसा क्या खास है तेरी वहाँ कैप के अंदर भाई? अरे सर जरा बड़ा भाई का ज्ञान वर्धन कीजिए ना। अक्सर ना चाहते हुए भी आप और हम जैसे लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, इसलिए बद्री भैया की चिंता भी जायज है। लेकिन बद्री भैया फिकर नॉट, वाक पर पेमेंट करना सेफ भी है और समझदारी भी। तुमने बोला और हमने मान लिया। पहले पूरी बात सुन तो लीजिए। हाँ हाँ बोलो। तो दोस्तों वाहक ऐप और उसके पेमेंट फीचर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े सारे काम एक जगह पर पूरे हो जाते हैं। यहाँ लोड और ट्रक की बुकिंग के साथ साथ पेमेंट भी हो जाती है, और क्योंकि ये पेमेंट ऐप के जरिए होती है दोनों पार्टियां फ्रॉड से बच जाती है। तो होता यह है कि डील फाइनल होने के बाद में जब लोड मालिक ट्रक वाले को एडवांस देता है तो उस रकम को वाहक के पेमेंट गेटवे में सुरक्षित तरीके से लॉक कर दिया जाता है। अब जैसे ही गाड़ी लोकेशन पर पहुंचती है और सामान लोड करती है तब जाकर वो एडवांस रिलीज किया जाता है। इसके बाद जब गाड़ी डिलीवरी लोकेशन पर सामान डिलीवर कर देती है तब ट्रक ड्राइवर या ट्रक मालिक को बाकी की रकम दी जाती है। और अगर भूले से डील को लेकर दोनों पार्टियों को कोई शिकायत होती है या फिर पेमेंट रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो वो रिफंड की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। वहां की टीम रिक्वेस्ट को ध्यान में रखकर पूरी जांच पड़ताल करती है, दोनों पार्टियों से बात करती है, प्रूफ इकट्ठा करती है और उसके आधार पर रिफंड को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो बद्री भैया चिंता को कीजिए दरकिनार और वहां पर करें ऑनलाइन व्यापार। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।